हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका आज के वीडियो में। तो इसके पहले वीडियो में आप लोग संभवतः देख चुके हैं बायो सेवर्ट नियम। तो बायो सेवर्ट नियम क्या था? जो चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक तार के पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान था, है ना, तो वही कैपिटल बी बराबर में 0.45 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके थे। और उसके पहले एक एफ बराबर आइडियल साइन थीटा पढ़े थे। जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या करता है, एक जो है बल कार्य करता है, जिसको हम लोग ने लिखा था एफ बराबर आइडियल साइन थीटा। तो वहां क्या था, किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल का मान, धारावाही चालक तार पर बल कब लगेगा, जब उसको किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तब बल लगेगा। अब देखिए एक बात और पहले बता देते हैं, ये जो चैप्टर है ये आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर या डायनामो। तो ये सिद्धांत यही है जो जो है पंखे की हवा आप लोग ले रहे हैं फिलहाल, यहाँ तो पंखा नहीं लगा है। तो कभी आपने सोचा कि जो है उसमें करंट जाता है पंखा घूमता है? बहुत ज्यादा स्कोप है इस चैप्टर का यानी सिद्धांत का, क्योंकि एसी कूलर फ्रिज पंखा घड़ी जो भी कुछ चलता है स्पीकर जो है ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का जो सिद्धांत है वो बहुत जल्द ही आने वाला है आपके सामने। अगला सवाल में जो ये हवा फ्रिज कूलर एसी वॉशिंग मशीन ये सब आप प्रयोग कर रहे हो ना, ये आपने कभी नहीं सोचा कि इसमें करंट आता है तो पंखा घूमता है, कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा। तो उसी का सिद्धांत जो है यहाँ आपको पढ़ना है, तो अब उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगला सवाल में मतलब उसको बनाना तो यहाँ सिखाया नहीं जाता है, उसका सिद्धांत क्यों सिखाया जाता है कि किस सिद्धांत पर वर्क करता है। जैसे जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर घूमता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट देता है, पंखे में क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो घूमता है। अगला सवाल में तो यही सब चीजें हैं। तो जो हवा खाते हैं आप ठंडा ठंडा, कूलर पंखा फ्रिज एसी जो कुछ भी है, वॉशिंग मशीन कितनी बार बताएं, घड़ी, मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट हैं सबका स्कोप है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। तो वो सब थोड़ा आप लोग केयर करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होगा। धारावाही चालक पर बल और धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र सब इसी में घूम ही रहो, तो जो है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है ये आज का हेडिंग, आज का हेडिंग है कि यदि कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुसा है या किसी चुंबकीय क्षेत्र पहले से है तो वहां धारावाही चालक तार अगर रहे उसमें धारा प्रवाहित हो तो उस पर बल हम लोगों ने निकाल लिया था एफ बराबर आईबीएल साइन थीटा। लेकिन ये अगर चुंबकीय क्षेत्र है वहां कोई गतिमान आवेश आ जाए यानी केवल आवेश ही चल रहा है, जैसे अब आवेश क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा बीटा कण हो सकता है, बहुत कुछ हो सकते हैं, आवेश बहुत सब चीजों में पाया जाता है। जनरली क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा उतने ही प्रोटॉन पर धन आवेश होगा। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर बल, हाँ, तो कोई आवेशित कण यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस आवेशित कण पर भी क्या करता है, बल कार्य करता है, और उसी बल को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंट्ज बल बोलते हैं। इसका सिद्धांत कितने दिया था, लॉरेंट्ज ने दिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज बल बोलते हैं। तो गतिमान कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उसमें कोई आवेशित कण गति करेगा और उस पर एक क्या लगेगा, बल लगेगा, वो बल कितना लगेगा, ये किसने बताया था, लॉरेंट्ज ने बताया था, यही एक हेडिंग है। तो जैसे और हेडिंग में एफ प्रोपोर्शनल टू आई पढ़े थे, एफ प्रोपोर्शनल टू बी पढ़े थे, ऐसे ऐसे ये भी दिया गया डायरेक्टली, बस थोड़ा सा समझने की चीजें हैं, फार्मूला आप जानिएगा। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल कार्य करता है जिसे लॉरेंट्ज बल कहते हैं। अब यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी है
और जो कण आवेशित कण धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। बात समझ में, हम पहले मान करके क्या चल रहे हैं, धनावेशित कण जो है वो गति कर रहा है। तो जब कोई माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश है या प्लस क्यू आवेश है और वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो उस कण पर लगने वाला जो बल का मान होगा एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा वी वी साइन थीटा या बराबर क्यू वी वी साइन थीटा होगा। अब जैसे देखिए यहाँ एक्सिस के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। जैसे जानते हैं जो इस पर बल लगता है वो भी लंबवत लगेगा। जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, ये विद्युत धारा की दिशा थी और ये बल, कौन सा बल, जो धारावाहिक चालक तार पर लग रहा था बल, ये बराबर आईबीएल साइन थीटा, इसी दिशा में तो लगता था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब वही चीज यहां है लेकिन यहां विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, एक आवेशित कण गतिमान है, यानी करंट नहीं है, आवेशित कण गतिमान है। कितने वेग से, इस मान v वेग से प्लस q कूलाम का आवेश है और वो गतिमान है। अगर अब देखिए ये x अक्ष, ये z अक्ष, ये y अक्ष, z वज y चाहे जिसको मानो, इन तीनों के बीच में कितना अंश का कोण बना है, 90 अंश का बना है। यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90। जैसे एक x अक्ष ऐसे है, ये ऐसे एक अक्ष ऐसे है और एक ऊपर होगा और एक ऐसे बाहर होगा या अंदर होगा, ये बाहर मान लेते हैं। अब बाहर तो ऐसे बना नहीं पाओगे रेखा, तो इसको हम ऐसे टेढ़ा बना देते हैं, अर्थात जो वाई एच बनाया गया है ये ऐसे उभरा हुआ है यानी बाहर की तरफ है, तो इसके और इसके बीच में 90 इंच का कोण, ये वाई एच हो गया, यही वाला है ये वाई एच और ये एक्स एच और ये जेड एच, तो इसके इसके बीच में 90, इसके इसके बीच में 90 और इसके इसके बीच में 90 इंच का कोण बना है, जिसके यहाँ देख सकते हैं। तो आवेशित कण जो गतिमान होगा, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया या कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एक्स अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई, इसको देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक्स अक्ष पर दिखाई गई है और जो बी, ये क्या है, प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, वो बी वेग से गतिमान है। यहाँ पहले 90, यहाँ हमने ज्यादा नहीं लिखा, थीटा कोण लिखा है, अब मान लेते हैं थीटा का मान 90 है यानी 90 अंश के कोण पर गतिमान है क्या आवेशित कण, किसके साथ 90 अंश, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 90 अंश का कोण, यानी कि ये ऐसे है, समझने के लिए ऐसे है। अब देखो इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग सकता है, प्लस क्यू चार्ज जिधर गतिमान होता है उधर ही इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है, विद्युत धारा की दिशा किधर की तरफ होती है, इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होती है, और इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में क्या मतलब, धनायन की दिशा में, और धनायन की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा कहा जाता है। जब वो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बताया था, पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत में धनायन की विपरीत दिशा होती है, अर्थात धनायन जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज की दिशा को ही हम इलेक्ट्रिक करंट की दिशा कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव आवेश ही तो है, पॉजिटिव आवेश की जो गति की दिशा है वही इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होगी, अर्थात उन्हें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लग सकता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ उनको ये बाहर की तरफ है, इसको इसे समझे रहेंगे, देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये क्या था, ये विद्युत धारा की दिशा थी और यहाँ विद्युत धारा है नहीं, क्या है, प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश की दिशा है, प्लस क्यू चार्ज की दिशा को ही हम इलेक्ट्रिक करंट की दिशा मान सकते हैं, अगला समझ में, तो ये ऐसे हो गया। अब बल किधर लगेगा, इस चार्ज पर, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज इधर की तरफ ऊपर की ओर बल लगेगा, जो कि देखो यहाँ जेड अक्ष की दिशा में लगेगा, यहाँ हमने दिखाया है, देखो कैपिटल एफ आई से लिखा है और ये ऐसे है और ये ऊपर की तरफ है ऐसे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा। यहाँ फ्लेमिंग के बाएं, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होता तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को हम ऐसे उल्टा लगाते तो बल नीचे की तरफ लगता, अरे बात समझनी, क्यों, क्योंकि अगर ये ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की दिशा में हम, अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज लिखा जाता, प्लस क्यू चार्ज लिखने का मतलब ये धनायन है, धनायन अर्थात विद्युत धारा की दिशा में हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा की दिशा में नहीं होता है, तो ये धारा की ही दिशा तो था, तो इसको धनायन की दिशा को विद्युत धारा की दिशा में मान सकते हैं, लेकिन ऋणायन है या ऋणावेश है तो ऋणावेश को जो है हम विद्युत धारा की दिशा में नहीं मान सकते,
नहीं मान सकते, उसके हम इसके विपरीत दिशा में, अगर यही इलेक्ट्रॉन होता तो बल ऐसे लगता, देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रॉन होता तो ये धारा की दिशा के विपरीत दिशा में माप जाता, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, धारा में जो हम इसको अप्लाई करते हैं इसको अंदर, यानी धारा की दिशा अंदर की तरफ, ये धारा की दिशा को हम अंदर की तरफ नापते तो ऐसे लगाते, जब ऐसे लगाते तो बल ये नीचे की तरफ लगता, यानी ये अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ बल ऊपर की ओर ना लग करके नीचे की ओर लगता, अब भले ही वो इलेक्ट्रॉन भी वेग से इधर की तरफ गतिमान होता तब भी बल नीचे की ओर लगता, लेकिन धनायन है, धनायन है तो विद्युत धारा की दिशा में हम लोग मान सकते हैं, यही तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ में विद्युत धारा की दिशा का मान दिखा रहा था, तो ये ऐसे ऊपर है, हम यही बताए हैं कि ये ऐसे गतिमान है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी तो बल ऊपर की ओर लगेगा। अब जो कण है वो कोई जरूरी है कि मतलब सीधे ही गतिमान करे, ऐसे इसके साथ थोड़ा सा ऐसे तिरछा कोण बनाते हुए गति करे, अब ये एकदम सीधा था यहाँ से यहाँ 90 था, यहाँ 90 लिखा गया, देखो इसके इसके बीच में 90, ऐसे ये गति करे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो और ये गति ऐसे करे तब बल का मान थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो बल भी बल ऊपर की तरफ ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा झुकेगा, वो भी तो झुकेगा बल का मान, तो चीजें वही है, तो कुल मिलाकर के अगर ये इस पर हम फार्मूला लिखें तो ये अब बराबर क्यू बी बी आएगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा, थीटा क्या है बी और इसके बीच में 90 का मान है तो यहाँ 90 हो जाएगा, तो ये बराबर क्यू बी बी ही निकलेगा। तो ये चित्र सरल था, ये कैसे बना है, ये वही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर दिखाया गया है, बल तो ऊपर की तरफ लगेगा ही, थोड़ा जेड अक्ष के इधर उधर लगेगा, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज था, ये बी वेग से गतिमान है लेकिन बी से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बनाकर, ना कोण बना करके थीटा कोण बना करके ये गतिमान है, असल में जब थीटा का कोण गतिमान है तो यहाँ पर जो लिया जाएगा वो साइन थीटा लिया जाएगा, अर्थात ये बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, ये कहाँ से आया, अब यही लिखने बार बार, यह जो है निर्भर करता है आवेश पर, प्रोपोर्शनली होता है, और यह जो होता है प्रोपोर्शनली होता है उसके वेग के, आवेशित कण के वेग के, फिर यह प्रोपोर्शनल होता है कैपिटल वी के, फिर यह प्रोपोर्शनल होता है तो थीटा साइन थीटा के, तो जब चारों को मिलाएंगे तो यही तो आएगा, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये मतलब जो है कोई जरूरी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, केवल हमको जानना है, तो इतना जान गए कि यहाँ भी फ्लेमिंग के बाएं हाफ का नियम अप्लाई होता है, और अगर धन आवेश है तो उसको विद्युत धारा की दिशा में मान सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत धारा की विपरीत दिशा में चलता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण ही दिशा डिफाइन होती है। अब यहाँ देखिए ये वाला ये फैक्ट कंडीशन था, इसके लिए लिखा गया फार्मूला, यदि यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, लंबवत गति करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करे, तो लंबवत करेगा कब करे, तब थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री होगा, अब बल के थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो बल कितना आएगा, या बराबर क्यू बी बी, अगला समझ में क्यों होगा, क्योंकि साइन 90 साइन थीटा और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये अधिकतम बल लगेगा, यानी किसी कण पर सबसे अधिकतम बल कब लगेगा, जब वो कण जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करेगा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 90 अंश का कोण बना करके गति करेगा तो उसमें सबसे अधिक बल लगेगा, अब यह न्यूनतम बल भी लगेगा, यदि ये जो कण इधर की तरफ गति, यानी ऊपर की तरफ गति कर रहा था, इसके लंबवत गति कर रहा था, लेकिन यदि इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे तो कितना बल लगेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब ये इधर की तरफ गति ना करके इधर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ ही गति करेगा तो कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, और जब 0 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ होगा साइन 0, तो हम क्या लिख सकते हैं कि उस पर कोई बल साइन 0, और साइन 0 जब होगा तो पूरी वैल्यू को ही 0 कर देगा, अर्थात हमें लिखें यदि यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही
यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ये वाई अलग है, उसको भाषा में आप इतना लिखेंगे, यदि कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करे तो थीटा बराबर जीरो, जो थीटा बराबर जीरो होगा तो ये बराबर क्यू बी बी इंटू जीरो, यथात ये बराबर जीरो। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान यहाँ थीटा बराबर जीरो रखेंगे तो साइन जीरो लिखा जाएगा, और साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो। आई बात समझ में? तो ये जो है, यदि यही कण जो है इधर की तरफ लंबवत गति ना करके, या इधर की तरफ, या इधर की तरफ गति ना करके इधर की तरफ भी गति करे, तो उस कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा या बल नहीं लगेगा। तो ये इस पर अर्थात इस पर कोई लॉरेंट्ज़ बल नहीं कार्य करेगा। ये था आपके लॉरेंट्ज़ बल का मान, मतलब लॉरेंट्ज़ बल क्या होता है। तो धारावाही चालक पर बल हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये क्या था? आवेशित कण पर बल का मान था। तो एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि जो है ये चैप्टर थोड़ा आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्कोप हैं इसके जो आपको समझने आएंगे। अगर ये दिशा थोड़ी डिसबैलेंस होगा तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। अब आपको क्वेश्चन आज तक कुछ नहीं बताना है, मैक्सिमम में 90 होगा, मिनिमम में 0 होगा, लंबवत में अधिकतम, और दिशा में ही अगर वो कण गति करेगा तो जो है न्यूनतम बल लगा। लेकिन कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है कि समझ में आया। जो लोग क्वेश्चन बताते हैं पता है सबको, कितने लोग पढ़ते हैं कितने लोग नहीं पढ़ते हैं वो हमको पता है, लेकिन आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सब समझ में आया या कम आया या थोड़ा बहुत कम आया, जो कुछ भी। और वीडियो को लाइक करेंगे नेक्स्ट, और आप बुक भी पढ़ते रहेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया या नहीं। और क्या करना है? बुक पढ़ना है। और क्या करना है? बहुत सारे मोटर वगैरह बनाना सीखना है। और क्या करना है? वीडियो को लाइक भी करना है। और क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना है। धन्यवाद।